सिंधु बॉर्डर गया था, वहाँ पे मैंने देखा था कि जो इंडियन मीडिया है वो किसानों को आतंकवादी बताता है। वो न्यूज़ चैनल है जी न्यूज़, एबीपी न्यूज़, आज तक, रिपब्लिक भारत, और जो सही बताता है वो एनडीटीवी इंडिया है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम रणवीर सिंह है, मैं 8 साल का हूँ। मैं मोदी सरकार से ये विनती करना चाहता हूँ, ये जो 3 काले कानून है ये रद्द किए जाएं, क्योंकि इसमें फ़ायदा अंबानी अंडानी लोगों का है, इसमें किसान मजदूर और बाकी सारे लोग बर्बाद हो सकते हैं। इसके लिए 3 काले कानून रद्द किए जाएं। पहले भी हमारा देश गुलामी करता था, ईस्ट इंडियन कंपनी जिसमें थे अंग्रेज लोग, उनसे लड़े थे हमारे दादा परदादा, और उनसे मुक्ति दिलवाई थी भगत सिंह ने, राजगुरु ने, सुखदेव ने। मोदी वापस से ही वो ईस्ट इंडियन कंपनी लाना चाहता है जिसमें होंगे अडानी और अंबानी, उनसे लड़ेंगे हम। मोदी से भी पहले एक राजा था जिसका नाम था वजीर खान, जिसने दो छोटे साहिबजादा थे और माता गुजरी थी, उनको ठंडे बुर्ज में रखा गया था, उनको बड़ी सारी तकलीफें दी थी, उन्होंने अगर उनकी बात नहीं मानी तो उनको जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था। तब तक वो नहीं डरे तो हम मोदी से क्यों डरे? मोदी वजीर खान तो ज़्यादा ताकतवर था और मोदी कमज़ोर है, तो हम मोदी से क्यों डरे? 40 से भी ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं पर मोदी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। भगवान इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दे सकता है, जैसे ये पहले चाय बेचता था चाय बेचने लग जाएगा, ऐसी कोई सज़ा दे देंगे। इसके जो दोस्त है अडानी और अंबानी, वो तो उन दोनों का गुलाम है ही है, हमें भी उनका गुलाम बनाना चाहता है, पर हम नहीं मानेंगे, हम जीतेंगे। मैं जब सिंधु बॉर्डर गया था वहाँ पे मैंने देखा था कि जो इंडियन मीडिया है वो किसानों को आतंकवादी बताता है। वो न्यूज़ चैनल है जी न्यूज़, एबीपी न्यूज़, आज तक, रिपब्लिक भारत, और जो सही बताता है वो एनडीटीवी इंडिया है। मैंने वहाँ फिर एक पोस्टर भी देखा था जिसमें दिखा रहे थे इंडियन मीडिया, किसान हल पकड़ के खड़ा हुआ था और वहाँ पे दिखा रहे थे कि वो बंदूक पकड़ के खड़ा हुआ है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। काले कानून, इनकलाब, मोदी सरकार, किसान मजदूर एकता, इनकलाबे इनकलाबे इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।